नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार पंडित आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट से सीखो में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को बिहार विधान परिषद सचिवालय में कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक के लिए फॉर्म को फिलअप करना हो, वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। और कौन किस तारीख में इसकी फॉर्म ऑनलाइन होने वाली है और इसकी क्या लास्ट डेट है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारी जानकारियाँ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आप लोगों से अभी अनुरोध है कि आप लोग जो है जो भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ समझ करके तभी जा करके आप लोग उस फॉर्म को फिलअप करें। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय बिहार की नई बहाली एडवर्टाइजिंग नंबर भी दिया गया है आपका 7/2019, कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक। जी हाँ दोस्तों, क्रम पत्र वितरक के लिए जो है इसकी वैकेंसी आई हुई है और कार्यालय परिचारी के लिए भी। सो दोस्तों, और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप तक सीधे पहुँच सके और सबसे पहले आप हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जो पुराने हैं उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद। तो चलते हैं, क्या है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पे जाने से पहले आपको इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। तो ऑफिशियली वेबसाइट का जो भी लिंक होगा, जो भी इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक होगा, वो सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली जा करके भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और उसके वेबसाइट पर जा करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट तो ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है और इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग नंबर दिखाई दे रहा होगा वो 7/2019 प्रारंभिक 20/9/2019 का, इसे आपको क्लिक करना है। और इसे क्लिक करने के बाद आपको जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, उस नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं। तो चलते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के लिए इसे क्लिक करते हैं। इसका जो भी लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जा करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है बिहार विधान परिषद .gov.in, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है और इसी ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जो है सारे लिंक्स और सारे विज्ञापन संख्या जो भी वैकेंसी का होता है जो भी होता है वो सारे जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत संदेश वाहक या मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या जो मैंने आपको बताया 7/2019 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद के वेबसाइट बिहार विधान परिषद .gov.in पर देखा भी जा सकता है। और ऑनलाइन भरने की संबंधित तिथि और कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, और क्या है निर्देश वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका ऑनलाइन भरने की जो तिथि प्रारंभ तिथि है वो 20/9/2019 का है और परीक्षा शुल्क जो है सेम डेज में भी आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 11/10/2019 की है और भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 11/10/2019 है। आप भुगतान किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या UPI हो, किसी भी माध्यम से आप जो है इसका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और क्या निर्देश है वो भी मैं आपको बता दिया देता हूँ। तो जैसा कि आप निर्देश में देख सकते हैं कि उपर्युक्त विज्ञापन के विस्तृत सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर इसका वेबसाइट पर दिया गया, प्रकाशित किया गया है। और अगर किसी प्रकार के आपको कोई सूचना लेनी हो विज्ञापन से संबंधित, ऑनलाइन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो 20/9/2019 से टोल फ्री नंबर जो इसका दिया गया है, इस नंबर पे आपको 8 बजे शाम तक जो है आप इसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका ईमेल आईडी भी दिया गया, आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें कितनी कितनी सीटें दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नोट में आप देख सकते हैं कि कार्यालय परिचारी अनुक्रम पत्र वितरक के पद के लिए जो है सीटें जो है वो दी गई है आपकी। तो कार्यालय परिचारी के लिए आपका 96 सीटें हैं और क्रम पत्रक वितरक के लिए आपका 7 सीटें हैं। यानी कुल जो भी इसमें आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग की महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग या कोई भी महिला जो भी है शैक्षिक आरक्षण या कोटिवार रिक्तियों के औबंधिक संख्या जो भी है सारे लेवल आपके दिए गए हैं सभी जातियों के लिए सब बराबर सीटें दी गई है। तो उनमें जितनी भी कुल सीटें हैं आपकी 96 सीटें हैं। उसके बाद क्रम पत्र वितरक के लिए 7 सीटें दी गई है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको समझा दिया जाता हूँ। तो क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्न शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विविध कॉलम में शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी परिचारी कार्यालय परिचारी के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का कार्य ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने का भी क्षमता होना चाहिए। इसमें जो 7वां वेतन के आधार पर आपको 18,000 से 56,900 का जो है आपका वेतनमान होगा और क्रम पत्रक वितरक के लिए जो है इसका दिया गया है आपका उसका 18,000 से 56,900 रुपये होंगे। उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें जो आपका आयु सीमा जो दी गई है, आप आयु सीमा देखा जाए तो आपका न्यूनतम 1/1/2019 को 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए आरक्षित के लिए, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और अत्यंत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42। और दोस्तों इसमें जो आपका होगा इसकी जो भर्ती की परीक्षा की जो पद्धति है वो सीधी आपको अलग अलग डेट में जो है साक्षात्कार के माध्यम से इसकी रिक्तियों की जो है भर्ती ली जाएगी। और परीक्षा शुल्क जो होगा आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 50 होंगे और अन्य जातियों के लिए आपका 200 रुपये आपको नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने होंगे। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट जिसके योग्य हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। और दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलेंगे और इतना शेयर करेंगे जो भी कैंडिडेट हैं उसे इस वीडियो को देख करके वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। सो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।